हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स जारी हुई है आपके एएलपी पोस्ट के लिए। इसका ऑनलाइन फॉर्म फ्रेंड्स मोबाइल से अगर आपको फिल करने में कोई भी इश्यू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। आपके सभी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसी है आरआरबी एएलपी में 5696 पोस्ट के लिए जारी की गई है। और इस वैकेंसी के लिए फ्रेंड्स देखिए जो लास्ट डेट है वो 19 फरवरी 2024 है, और 19 फरवरी 2024 तक आपको इसमें ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अब आपके फ्रेंड्स 4 से 5 दिन यहाँ पर बचे हैं। अगर आप इसमें आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है या आप ट्राई कर रहे हैं मोबाइल से आवेदन करने का और फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है, तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो इसका ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ पर आपको अप्लाई का जो ये लिंक मिलता है, यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन मिलता है। आप इसे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेयर करने के बाद आप आगे जाते हैं तो आपके सामने आता है रजिस्ट्रेशन पेज। अब यहाँ पर देखिए सब डिटेल्स को फिल करने के बाद आपके सामने जो नीचे ऑप्शन होता है, इसमें फ्रेंड्स आप जब भी किसी भी ऑप्शन पर टिक करते हैं तो आपको यहाँ पर बोलता है प्लीज चेक द अंडरटेकिंग बॉक्स बिफोर सबमिटिंग। मतलब आपका जो न्यू रजिस्ट्रेशन है वो आपका यहाँ पर नहीं हो रहा है और आपको फ्रेंड्स यहाँ पर इश्यू आ रहा है। आपने सब जानकारी फिल कर दी है, फिर भी यहाँ पर जो डिक्लेरेशन का ऑप्शन है उसका जो एरर है वो आपको शो कर रहा होगा। अब इस एरर को आप कैसे सही कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए आपका जो ब्राउजर, जितने भी ब्राउजर है आपके, फायरफॉक्स है या फ्रेंड्स आपका गूगल क्रोम है, ये आपका यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है। इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक ब्राउजर जो है वो अलग से डाउनलोड करना होगा, और इसके लिए आपको चाहिए एक एपीके। एपीके फाइल जो है फ्रेंड्स वो आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स जो एपीके फाइल है वो जब आप इस ब्राउजर में ओपन करते हैं, मैंने आपके हमने न्यू ब्राउजर ओपन कर दिया है जिसका मैंने एपीके फाइल आपको दिया है। इस पर आने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए सेम आपको यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है, 3 ऑप्शंस मिलते हैं। इसमें आप फुल स्क्रीन यहाँ पर कर सकते हैं, और फुल स्क्रीन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने देखिए फुल स्क्रीन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है, इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करके प्रोसीड आपको कर देना होगा। अब आप नीचे यहाँ पर आते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन सेम यहाँ पर मिलता है जो कि आपको कंप्यूटर पर देखने को मिलता है। तो ये फ्रेंड्स डेस्कटॉप ब्राउजर है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर पहला ऑप्शन जैसे आपका है कि आपको आरआरबी में एग्जाम देने से मना किया गया है, या फ्रेंड्स आपके कोई भी सर्जरी या सर्जिकल प्रोसीजर के अंतर्गत अगर आप यहां पर गए हैं, या आप पीएच कैंडिडेट हैं, आप एसएनओ कर सकते हैं। यहां पर नेशनलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर आपका जो नाम है वो आपको देना है। तो मैं फ्रेंड्स यहां पर देखिए सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको डाटा यहां पर फिल करके शो करूंगा कि आपको यहां पर कोई भी दिक्कत ना आए। तो आप यहां पर देखिए आपका जो भी नाम है वो आपको देना है। अगर आपने नाम चेंज किया है तो आप एसएनओ कर सकते हैं। आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है तो आपको फ्रेंड्स इस कैलेंडर पर जाना है, और आपका फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर, वो आपको देना होगा। और यहां पर देखिए आपको दोबारा से इनको रीवेरीफाई भी करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, जेंडर को आपको यहाँ पर कंफर्म करना है। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपके यहाँ पर फादर नेम का है, तो फ्रेंड्स फादर नेम आप यहाँ पर देंगे, और कोशिश कीजिएगा आप यहाँ पर कैपिटल लेटर्स ही यूज करें। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो मदर नेम है वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ये एंट्री करने के बाद आपको फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इनको वेरीफाई भी करना है। इसके बाद है प्लीज एंटर योर आधार कार्ड नंबर, तो फ्रेंड्स आपको आपका आधार कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। तो आप इस कैप्चा कोड को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर देना है, वेरीफाई यूजिंग आधार पर क्लिक करना है। एक तो ऑप्शन हो गया आपके आधार कार्ड के साथ, आधार कार्ड नहीं है तो आप आई डोंट हैव पर आधार पर क्लिक करेंगे, दोबारा से सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन है आपके, जैसे आपका है आईडी प्रूफ, तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आईडी, कोई भी गवर्नमेंट आईडी, स्कूल कॉलेज आईडी, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उस आईडी का नंबर, इशूइंग अथॉरिटी क्या है, प्लेस ऑफ इशू क्या है, और डेट ऑफ इशू क्या है, ये आपके उस आईडी पर लिखा होता है, वो आपको देना होगा। अब आपका मेल आईडी आपको यहाँ पर देना है, आपका मोबाइल नंबर देना है, और उसके बाद जनरेट करना है, जनरेट ईमेल ओटीपी, जनरेट मोबाइल ओटीपी। इसके बाद आपके मोबाइल पर मेल आईडी पर एक ओटीपी आती है, सिंपली आपको वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करनी है। इसके बाद आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, तो पासवर्ड में फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अपर केस, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स आपको यहाँ पर यूज करने हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो भी आप पासवर्ड यहाँ बनाना चाहते हैं वो पासवर्ड आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो सैंपल है वो मैं आपको यहाँ पर लिखकर शो कर रहा हूँ। जैसे आप यहाँ पर अपर केस, स्मॉल लेटर्स, नंबर्स यूज कर सकते हैं, साथ में आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं अपने पासवर्ड में। तो इस तरह का जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ पर बनाना होगा, और पासवर्ड बनाने के बाद फ्रेंड्स जो ये कैप्चा कोड दिया गया है, ये कैप्चा कोड आपको फिल करना होगा, और उसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर जानकारी फिल करने के बाद मैं आपको शो करता हूँ कि आपको अब एरर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है।
इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जब आप अपनी सारी जानकारी को फिल कर देते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए नीचे एक ऑप्शन मिलता है प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट का, आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अब आपकी देखिए जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर फिलअप मिलती है, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पर हो रहा है। आप आई हैव रीचेक पर क्लिक करेंगे और रीचेक पर क्लिक करने के बाद क्रिएट एन अकाउंट पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक मैसेज मिलेगा कि आप यहां पर क्रिएट करना चाहते हैं आपके जो अकाउंट है उसको। आप यहां पर देखिए, जो भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं उसमें मेल आईडी और मोबाइल नंबर को आप यहां पर कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप यहां पर प्रोसीड करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आता है साइन इन योर अकाउंट का। तो आपके जो मोबाइल नंबर या मेल आईडी आपने एंटर की है, जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया है, जो ये कैप्चा कोड आपने यहां पर दिया है, ये डालकर आप यहां पर सिंपली लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन है, आप इस पर टिक करेंगे। यहाँ पर देखिए अब आपको आरआरबी सेलेक्ट करनी है आपके अकॉर्डिंग, जो भी आरआरबी के लिए आप आवेदन यहाँ पर करना चाहे उस आरआरबी को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर इसे डिक्लेयर करेंगे, यहाँ से आई एग्री करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर मिलता है मैरिटल स्टेटस, तो आपका मैरिटल स्टेटस आप दीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका रिलीजन ऑप्शन है, रिलीजन सेलेक्ट कीजिए। कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, जैसे कोई कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बैन का निशान है, वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। दो मार्क दो आपको देने होंगे, आप नहीं है तो आप नो मार्क की एंट्री कर सकते हैं। कम्युनिटी में आपका जनरल एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंग। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको एक मैसेज मिलता है, आप इसे एग्री कर देंगे। इसके बाद सर्टिफिकेट नंबर आपको देना है, इशूइंग अथॉरिटी आपको देनी है, मतलब ये किसने इशू किया है, तो आपको देखिए यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है आपके अकॉर्डिंग। इनमें से जो भी फ्रेंड्स आपका यहाँ पर फ्रेंड्स जिसने भी इशू किया है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके इसके लिए आपको आपका सर्टिफिकेट देखना होगा कि कौन सा सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ये जानकारी प्रोवाइड यहाँ पर करनी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डेट ऑफ इशू आपको देना है, तो डेट ऑफ इशू दे दीजिएगा। इससे रिलेटेड मैंने पहले भी आपको जानकारी प्रोवाइड की हुई है, तो आप उस जानकारी को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जो सर्टिफिकेट है वो कौन सा आपको देना है, तो आप यहाँ पर देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। और इसके लिए जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो आपका जो इसका अप्लाई का ऑनलाइन का जो पोर्टल है, अप्लाई के ऑप्शन से पहले ही आपको डाउनलोड फॉर्मेट के ऑप्शन मिल जाते हैं, तो वहां पर जाकर फ्रेंड्स आप जो सर्टिफिकेट के फॉर्मेट है वो आप चेक कर सकते हैं। इसके होम पेज पर जो डैशबोर्ड है उस पर ही आपको वो सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको सर्टिफिकेट यहां पर अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में। इसके बाद सिंपली आपका एड्रेस है, तो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपको यहां पर देना होगा। आपका स्टेट या यूटी कौन सा है, तो वो आप यहां से जो लिस्ट है वो आप चेक कर सकते हैं। आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आपको यहां देना है। इसके बाद पूरा एड्रेस आपको देना है, विलेज टाउन कौन सा है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको आपका जो पिन कोड है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो ये आपका एड्रेस ऑप्शन है जो कि फ्रेंड्स आपको आपके अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर करना है। मैं सिर्फ अभी यहाँ पर जो भी डाटा एंटर कर रहा हूँ ये सिर्फ सैंपल के तौर पर है, आपको आपके एक्चुअल डाटा यहाँ पर देनी होगी। अगर ये एड्रेस सेम है तो आप सेम पर क्लिक कर दीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जब ये कॉपी यहाँ पर हो जाएगा सिंपली, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टली सेव करना है और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पर आपको फ्रेंड्स क्लिक कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपको फ्रेंड्स उस ब्राउजर में दिक्कत आ रही है, मान लीजिए डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहे हैं, तो उसके बाद फ्रेंड्स आप किसी भी ब्राउजर से लॉगिन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। जैसे क्रोम से मैं अब यहां पर फिल कर रहा हूं, तो अब यहां पर देखिए एक्स सर्विस मैन अगर आप है तो यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा ईबीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यस या नो कर सकते हैं। एम्प्लॉई है इंडियन रेलवेज में तो यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपका कोई भी करंट में है तो आप यहां पर जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉट एप्लीकेबल करेंगे। अप्रेंटिसशिप है तो आप यस या नो कर सकते हैं। इसके अलावा बैंक डिटेल्स आपको देनी है रिफंड के लिए, तो इसमें फ्रेंड्स अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर आपको कंफर्म करना है। आईएफएससी कोड आप जब जैसे ही यहां पर एंटर करेंगे, बैंक का नाम और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहां पर फ्रेंड्स आपकी बैंक की पासबुक को चेक कीजिए, उस पर जानकारी आपको मिल जाती है और उसके बाद ये सेव करके नेक्स्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका क्वालिफिकेशन ऑप्शन होगा, तो 10th प्लस में आईटीआई, 10th प्लस में अप्रेंटिसशिप या 3 साल का डिप्लोमा, या आपके पास डिग्री है इंजीनियरिंग में तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। पहले मैट्रिकुलेशन ऑप्शन है, तो यहाँ पर आपको आपका स्टेट सेलेक्ट करना होगा, किस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद बोर्ड का पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे, मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर एंटर कर रहा हूँ। आपका डेट ऑफ पासिंग क्या है, तो आप इस कैलेंडर पर जाएंगे, आपका जो भी डेट ऑफ पासिंग है, डेट मंथ एंड ईयर, ये आपको यहाँ पर देना है। आपका फ्रेंड्स आपको रोल नंबर यहां पर एंटर करना होगा और ये फ्रेंड्स एंटर करने के बाद आप ऐड कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन ऐड हो जाएगी। इसके बाद देखिए अगर आपके पास एनएसी है, आईटीआई है, डिप्लोमा है, डिग्री है,
आप इनमें से जो भी आपके पास है आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड सेलेक्ट करनी है, इसके बाद आपको यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करना है, इसके बाद आपने किस डिस्ट्रिक्ट से किया है, इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, तो पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा आपके इंस्टीट्यूट का। इसके बाद फ्रेंड्स आपको डेट ऑफ पासिंग देना है, मतलब आपने इसको कब पास किया है, तो आप यहाँ पर डेट ऑफ पासिंग दे सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर ये एंट्री करने के बाद नीचे सर्टिफिकेट इशू बाय कौन सा है, एनसीवीटी या एससीवीटी, सर्टिफिकेट क्या है, एनटीसी है या आपका स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट है, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसे भी एड कर देंगे। तो मैंने सैंपल के तौर पर शो कर दिया है, आपको आपकी एक्चुअल जानकारी देने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सैंपल फोटो आपको दी गई है, नॉर्मल फोटो आपकी यहाँ पर अपलोड होगी, जेपीजी फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। सिग्नेचर भी आपको यहाँ पर ब्लू या ब्लैक पेन से आप अपलोड कर सकते हैं। ब्राउज पर क्लिक कीजिए, फाइल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। इसके बाद ही फ्रेंड्स अपलोड एंड सेव पर आप क्लिक करेंगे। तो जब आपकी फ्रेंड्स फोटो एंड साइन यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे, इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप पर जा सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप पर आने के बाद फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पर देखिए सबसे पहले सेलेक्ट करना है सेलेक्ट एग्जाम ट्रेड फॉर पार्ट बी, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको आरआरबी यहाँ पर शो कर देती है, आप इसे यहाँ से डिक्लेयर करेंगे। आपको यहाँ पर भी डिक्लेयर करना है, प्लेस का नाम लिखना है, कहाँ से आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो आप जानकारी प्रोवाइड करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद ही आप इसे कन्फर्म करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर देखिए आपका जो प्रीव्यू ऑप्शन है वो ओपन हो जाता है। आप आई हैव रीड पर चेक क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ से इसे कंफर्म कर देंगे। अगर देखिए आपको यहाँ पर लिखा नहीं भी मिल रहा है तो जो आपको ये बैंगनी कलर का ऑप्शन है इस पर आप टिक कर सकते हैं, और इसके अलावा आप एडिट करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें तो ये ब्लैंक व्हाइट दिख रहा है उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। या फ्रेंड्स जो मैंने अभी आपको बताया, जो एपी के मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल पर और उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें आपको ये सारी जानकारी सही से देखने को मिलेगी। इसके बाद ही आप इसे यहाँ से कन्फर्म करेंगे। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर फीस पे करनी है, तो आपको फी पे करने के लिए इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो ओपन हो जाएंगे, तो अपने कार्ड डिटेल्स को आप यहाँ फिल कर सकते हैं और उसके बाद आप पे नाउ पर क्लिक कर सकते हैं। नेट बैंकिंग यूजर है तो नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, तो आपके अकॉर्डिंग जिस भी तरीके से आप पेमेंट यहाँ पर करना चाहें पेमेंट आप कर पाएंगे। और पेमेंट कम्प्लीट होने के बाद फ्रेंड्स आप अपना जो फाइनल प्रिंट आउट है वो सेव करके अपने पास रख सकते हैं।